स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किए थे. लेट्स डिस्कस द असाइनमेंट्स गिवन ऑन लास्ट क्लास. ओके, एज फॉर यू, यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर डाउट 3. क्वेश्चन नंबर 3 यू आर हैविंग डाउट, करेक्ट. सी क्वेश्चन नंबर 3. ए टोटल चार्ज Q इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, Q1 एंड Q2, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, द मैक्सिमम फोर्स रिपल्सन बिटवीन देम विल अकर व्हेन. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हाउ द वेरिएशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस is going to affect the force, correct? Student, maxima minima की concept आप पढ़े हो 11th पे, derivative में भी है. कोई भी चीज का अगर हम maximum point निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको differentiate कर देते हैं. We just wanted to know how the change takes place. And उसी change को हम किसके साथ equate करते हैं, zero के साथ equate करते हैं, उसका particular value निकालने के लिए. Are you getting? Anything, कोई भी एक अगर expression आपको दिया गया है, आप उसकी changes जानना चाहते हो और चेंजेस मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए. ठीक है, मतलब होता है ना कि हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट निकालते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है. इसको आप मैथ्स के डेरिवेटिव में और एक बार पढ़ोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. दिस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसा दिया हुआ है, देयर आर टू चार्जेस. Student is given question number 3. Total charge of Q is broken into two parts. मतलब Q charge जो है, उसको हमने दो part पे divide कर दिया. That is Q1 and Q2. That is clear. Student, if I will find the Coulomb force, ठीक है? अभी Q1, Q2 दो charge के बीच में जब Coulomb force था, इसने broken into two parts, Q1 and Q2, and then they are placed at a distance are from each other. मान के चलो उसने एक particular distance पर रखा गया, then the maximum force of repulsion between them will occur when force की कौन सी, मतलब at what magnitude the maximum force of experience will go on. Students, अगर Q1 और Q2 के बीच में मैं Coulomb force निकालूं, then that is F is equal to how much? K Q1 Q2 divided by R square. ठीक है? Yes or no students? Getting or not? ठीक है. और स्टूडेंट ये जो Q2 है, Q2 इज व्हाट? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है? Q है. तो अगर मैं Q2 निकालना चाहता हूं यहां से, तो Q2 कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? Q माइनस Q1, करेक्ट? यस और नो? तो इस एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिख सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू, कैन आई राइट, F रख दिया, Q1 को रख दिया, करेक्ट? और Q2 के बदले में Q माइनस Q1 रख सकता हूं क्या? यस और नो? होल डिवाइडेड बाय, मैंने भी वही R² कर दिया. Q is equal to Q1 plus Q2 question पे given है, correct? और मैंने force निकाल दिया Q1 Q2 के बीच में. अभी Q2 को मैं replace करना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि तीन variable मुझे नहीं लाना है, Q1 Q2, मुझे एक variable से मुझे देखना है, correct? And student, this is now you find F to be this much, K into Q1 whole Q into Q minus Q1 by R square, ठीक है? और student, force maximum होने के लिए, मतलब to know how the force is becoming maximum, that means how the force is changing with respect to charge Q1. कोई एक चार्ज हम ले सकते हैं, Q1 ले सकते हैं, Q2 ले सकते हैं. That means what we have to do for that? How the force is changing with respect to the charge Q1. क्योंकि हमने यहाँ पर भी Q1 रखे, यहाँ पर भी Q1 रखे. क्योंकि Q तो फिक्स है ना बेटा. आप Q1 रख सकते हो, Q2 भी रख सकते हो. Answer is not going to be different. I want to know how the force is going to get affected due to the variation of these charges. ठीक है? क्योंकि अगर मैं Q1 डिसाइड कर दिया, then only Q2 will be decided ना. 10 कूलम्ब था, अगर मैं एक को 3 कूलम्ब बना दिया तो दूसरा कितना बनेगा? 7 बनेगा. एक को अगर मैं 4 बना दिया तो दूसरा क्या बनेगा? 6 बन जाएगा. तो किसी एक को हम पकड़ लिए हैं यहाँ पर, Q1 को फिक्स रख दिया हम यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से Q2 भी वेरी हो जाएगा. सो वो जो फोर्स है उसको, उसका मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स. df by dq1, मतलब हाउ द फोर्स विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू Q1, करेक्ट? और स्टूडेंट आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आप इसको जीरो निकालो, देन वी कैन सी, देन Q1 इज इक्वल टू, विल बी इक्वल टू Q2, दैट इज इक्वल टू Q/2. ठीक है, इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट? k Q1 Q2, मतलब Q को Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस Q1, R² तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो Q1 का स्क्वायर आ जाएगा. Q1 का स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2Q1 आ जाएगा. तो 2Q1 को जब हम इक्वेट करेंगे फिर जीरो के साथ लेके, दोनों को एक, अगर 2Q होगा तो बाकी कितना हो जाएगा? Q माइनस 2Q. गेटिंग या नॉट? सो दैट इज माइनस हाफ.
उसको हम सॉल्व करके वी कैन फाइंड कि क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू बाय टू. ठीक है, जस्ट अगेन स्टूडेंट लेट्स लेट गो टू योर नेक्स्ट डाउट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर. देखो टू स्मॉल स्पीयर्स ईच ऑफ हैविंग द चार्ज प्लस क्यू आर सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल फ्रॉम ए हुक. कैसे हम लोग दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस फॉर नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट. स्टूडेंट दो टू स्मॉल स्पीयर्स, दोनों को कितना चार्ज में दिया हूं, सेम चार्ज दिया हूं, प्लस क्यू यस सर नो. मैंने इस तरह एक जगह पे ले लिया कि जहां पर स्पेस नहीं, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं. देन द एंगल बिटवीन द टू सिक्वेंस टू सस्पेंशन एंड द टेंशन विल बी हाउ मच, उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, लेट्स सी द इक्वेशन. कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इस पे, क्वेश्चन नंबर फोर. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट द पोजिशन ऑफ द बल्ब्स इन द सैटेलाइट विल बिकम कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है ना, तो क्या करेंगे वो लोग. जब मैंने इनको ऐसे थ्रेड पे ऐसे मैंने इसको किया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर ले लिया प्लस क्यू, यहाँ पर भी ले लिया प्लस क्यू, करेक्ट. सो दे विल रिपेल ईच अदर ना स्टूडेंट, सेम चार्ज रिपेल ना. और उनको रोक के रखने वाला चीज क्या था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, बट वो नहीं है ना, वेट उनका नहीं है ग्रेविटी स्पेस में. तो इसीलिए इनवर्ट अरेंजमेंट स्टूडेंट्स उसी पॉइंट से वो क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह एक चार्ज चला जाएगा प्लस क्यू, इस तरह भी एक चार्ज चला जाएगा प्लस क्यू. रिपल्सिव फोर्स के दौरान दे विल बी बिकमिंग लाइक दिस, करेक्ट. एंड द एंड दिस लेंथ इज इक्वल एल, दिस लेंथ, ये जो एल है रोप का लेंथ है, करेक्ट. जितना था वो इस पॉइंट से यहां तक आ जाएंगे, करेक्ट. और ये मेरा बन जाएगा, कितना एंगल बन जाएगा फिर दोनों में, 180 डिग्री, है कि नहीं. और स्टूडेंट अगर 180 डिग्री बन गया, सो क्वेश्चन के हिसाब से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा. और नेक्स्ट उसने पूछा है कि देन द अरेंजमेंट विल बी सस्पेंशन एंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग विल बी हाउ मच. स्टूडेंट देखो टेंशन मतलब हम फोर्स निकालेंगे, यहाँ पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दोनों के ऊपर दैट इज गोइंग टू बी द टेंशन ओनली. सो दैट फोर्स इज हाउ मच, यहाँ पर आप कूलम्स लॉ डायरेक्टली डाल सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दिया हमने इनटू ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो एल, दिस इज आल्सो एल, तो कितना हो गया 2l, 2l का स्क्वायर, q1 q2 बाय r स्क्वायर, यस सर नो, गेटिंग और नॉट. तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, थोड़ा देखो 180 डिग्री तो आ गया, तो q स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, सो आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस सर नो, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ठीक है, स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, देख सकते हो आप टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m, दोनों पार्टिकल है मेरे पास जिनका मास m है, चार्ज q है ना, दिख रहा है आपको क्वेश्चंस, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, कितने दूर पे रखा गया वो, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दे डोंट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, सो द वैल्यू ऑफ q बाय m इज हाउ मच. मतलब यहां पर दो चीज, मास दिया हुआ है मतलब ऐसा तो नहीं कि स्पेस में रखा गया है तो उसका कुछ वेट है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, देन चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, सो दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, मींस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बिकमिंग इक्वल, दैट्स मेक्स देम इक्विलिब्रियम स्टेट, सो दैट दे नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑन ईच अदर, यस सर नो. तो स्टूडेंट चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, नो डाउट क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी. ठीक है स्टूडेंट, दे विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट. और स्टूडेंट दो मुझे जो मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है ना, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया स्टूडेंट, है कि नहीं, इसका मास m है, इसका मास m है ना, इसका q है, इसका q है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है ना, 11th पे पढ़े थे, g m1 m2 / r2, यस सर नो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया गया है स्टूडेंट्स, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दैट इज 16 × 10⁻²⁻ मीटर, है ना, यस सर नो. तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, इफ आई विल बी फाइंडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स देन दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, fg इज इक्वल टू कितना होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g * मास जो है ना सेम है, तो m² डिवाइडेड बाय r² दैट इज 16 × 10⁻²² का स्क्वायर, करेक्ट, that is gravitational force. And what is electrostatic force student? KQ/r², मतलब 1/4 pi epsilon naught, that is 9 × 10⁹ जिसका वैल्यू है, दो चार्ज सेम है तो q square divided by दोनों का
10 to the minus 2 का स्क्वायर, यस सर नो? गेटिंग स्टूडेंट? तो दिस टू आर बिकमिंग इक्वल, तो चलो इक्वेट कर देते हैं, है कि नहीं? लेट्स मेक इट इक्वेटेड. तो चलो एक साइड पे अगर मैं लिखूं जी एम स्क्वायर बाय 16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू वो जो गैप है दोनों के बीच में स्क्वायर, करेक्ट? और इसको सॉल्व करके मुझे q और m को एक साइड पे लाना है. स्टूडेंट चलो q और m को एक साइड पे ले आते हैं. तो q स्क्वायर बाय m स्क्वायर एक साइड पे अगर आ गया तो देखो q स्क्वायर में m स्क्वायर को इस साइड पे ले लिया. तो स्टूडेंट दिस टू विल बी कैंसल्ड आउट, आई थिंक ये वाला पार्ट जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरा, करेक्ट? दिस पार्ट इज गोइंग टू बी कैंसल आउट. और स्टूडेंट बाकी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर में क्या रहेगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जी, एम आई करेक्ट? यस सर नो? तो अगर मैं रूट ओवर निकाल दिया स्टूडेंट्स देन क्यू बाई एम इज गोइंग टू बी नथिंग बट द रूट ओवर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जी, दैट विल बी द रेशियो ऑफ क्यू बाई एम. वेरी इजी आई थिंक, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल. Just see it, students, okay? स्टूडेंट फिर एक डाउट आ गया. क्वेश्चन नंबर 8, टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस, ठीक है, हैव चार्जेस प्लस 10 कूलम माइक्रो कूलम एंड माइनस 20 माइक्रो कूलम रेस्पेक्टिवली एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, ईच अदर एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ F1. जब मैंने उसको r डिस्टेंस पे रखा और एक का चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम था और दूसरा का माइनस 20 माइक्रो कूलम था, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे F1. If they're brought in contact and separated to the same distance, they experience a force of F2. Then ratio of F1 by F2. यहाँ पर students को दिक्कत क्या होता है किस point पे? Students देखो ये concept मैंने आपको last class में भी बताया था, ठीक है? Don't worry, आप आराम से समझ जाओगे. और एक बार मैं concept को recapitulate कर देता हूँ. Question number 8. Student पहला charge कितना था? एक था 10 micro coulomb, है ना? Yes or no? दूसरा कितना था students? 20 micro, minus 20 micro coulomb. You can see here, 10 micro coulomb and minus 20 micro coulomb. देखिए नहीं? और दोनों के बीच में gap कितना था students? R था. तो इस time पे क्या force experience हो रहा था? ना sir, F is equal to electrostatic constant K, 10 into minus 20 divided by R square. Correct. यही था मेरा F1. Yes or no? अभी ये बोल रहा है कि मैंने दोनों को आपस में close पे ले आया थे. मैंने उनको contact पे ले आया. स्टूडेंट जब मैं दो चार्ज को कंटैक्ट पे ले आऊंगा तो ये दोनों चार्ज को मैं कंटैक्ट पे ले आया, मतलब मैं 10 माइक्रो कूलम और माइनस 20 माइक्रो कूलम को अगर कंटैक्ट पे ले जाऊंगा तो स्टूडेंट नेट चार्ज कितना हो जाएगा, ये टोटल चार्ज कितना बन जाएगा यहाँ पर 10 और 20, ये माइनस 20 है तो माइनस 20 मतलब माइनस 20 10 को मिला देंगे तो टोटल चार्ज जो है ना दोनों को मिलाने के बाद वो माइनस 10 माइक्रो कूलम ही रहेगा, करेक्ट? और इसके बाद तो मैंने क्या किया, मैंने फिर उनको सेपरेट कर दिया. स्टूडेंट किस स्ट्रेटेजी पे मैंने सेपरेट किया वो तो नहीं दिया हुआ है, तो मतलब जब मैं इसको 10 माइक्रो कूलम को सेपरेट करके फिर उसी डिस्टेंस पे ले जाऊंगा तो जो 10 माइक्रो कूलम है वो इक्वली डिवाइड होके माइनस 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा और ये माइनस 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस जो आर था मैंने रख दिया. क्वेश्चन समझ पे आया? तो अगर मैं यहाँ पर नया फोर्स निकालूं F2, so that is going to be K into minus 5 divided by R square. I think this concept is properly clarified to all. 10 और 20 था तो था, फोर्स तो आ रहा था F1. मैंने उनको आपस में ले आया, जब आपस में ले जाएगा तो चार्ज इंटरचेंजिंग के बजाय से तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मिला देंगे तो चार्ज को, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 तो माइनस 10 माइक्रो कूलम हो गया चार्ज. फिर जब मैं उसको सेपरेट करूंगा अगर कुछ ऐसा नहीं दिया कि किस रेशियो पे मैंने सेपरेट किया तो वो आधा आधा होकर सेपरेट हो जाएंगे, इस तरफ 5 इस तरफ 5 माइनस 5 माइनस 5, फिर उनके बीच में मैंने फोर्स निकाला दैट इज F2. सो नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ F1 बाय F2, ये पूछ रहा है. तो अगर डिवाइड कर दूंगा तो K कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी K कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 10 into minus 20 जो ऊपर था Q1 Q2 डिवाइड बाय नीचे जो आ गया मेरा माइनस 5 into minus 5, करेक्ट? इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद आई थिंक यू विल गेट -8:1, करेक्ट? आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यू कैन सी द ऑप्शन 8 का ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो, दैट इज -8:1, करेक्ट? आई थिंक इट्स प्रॉपरली विजिबल टू यू, नाउ यू कैन कॉपी राइट द क्वेश्चन. स्टूडेंट
10 माइक्रोकुलम माइनस 20 है, अगर वो माइनस 20 ना हो कि 10 माइक्रोकुलम 20 माइक्रोकुलम दिया होता और आपस में ले आते तो टोटल चार्ज कितना हो जाता, 10 प्लस 20 ऐड करके 30 माइक्रोकुलम कर देते, करेक्ट। और 30 माइक्रोकुलम करने के बाद अगर फिर उसको सेपरेट कर देता तो कितना हो जाता, 15 15 हो जाता, आपस में डिवाइड हो जाता। तो इसीलिए आपको इसी स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन को फॉलो करना है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, an electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom, ठीक है, in a circular orbit of radius r, ठीक है, चार्ज तो वही है, इसका जो है उसका वही है, ee, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का, तो कूलम्ब फोर्स F between the two कितना होगा, तो कूलम्ब फोर्स मुझे निकालना होगा स्टूडेंट्स, नॉट ए बिग इशू, नॉट दैट मच डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज। तो स्टूडेंट अगर मैं कूलम्ब फोर्स निकालूं तो F is equal to कितना है, माइनस के स्क्वायर है कि नहीं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है कि नहीं। अगर जब डायरेक्शन देते हैं तो आर क्या लिखते हैं ना, वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो माइनस के ई स्क्वायर कर दिया हमने, और ये आर स्क्वायर को अगर मैं वेक्टर दे दूं तो आर वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर, आर क्या मतलब क्या है स्टूडेंट, के स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर क्या मतलब क्या होता है, आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर क्यू हो जाएगा, सो के स्क्वायर आर क्यू और आर का वेक्टर, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी, ठीक है, दो कंडक्टर है स्टूडेंट्स बी एंड सी, हैविंग इक्वल रेडियस दिया हुआ है एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम, ठीक है, इक्वल चार्ज भी ले रहे हैं वो, लेट क्यू क्यू चार्ज ले रहे हैं, और दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ एफ व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, मैंने उसको मान के चलो आर डिस्टेंस पे रखा और वो क्या किया उसने कि देख कुछ डिस्टेंस पे मैंने रखा उसको, तो वो एफ फोर्स एक्सपीरियंस किए। ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग द सेम रेडियस, और एक स्फेरिकल कंडक्टर जो कि सेम रेडियस के है, इज दैट ऑफ द बी, ठीक है, बी का रेडियस जो हैविंग सेम रेडियस इज दैट ऑफ द बी बट अनचार्ज्ड, बट वो चार्ज नहीं है, ठीक है, brought in contact with B, मैंने एक third spherical charge को contact पे लाया, then मैंने उसको C की contact पे लाया, and then finally removed away, then the new force of repulsion between B and C कितना हो जाएगा, ठीक है students, समझ पे आ रहा है। पहले मैंने क्या किया, देखो just आप यहाँ पर question को देख सकते हो, as per the question students देखो, you can see here क्या लिखा है, कि मेरे पास दो क्वेश्चन नंबर 12, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस, करेक्ट, इन देम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ, तो चलो पहले उसका डायग्राम बना देते हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स ऐसा है, ठीक है, तो मैंने एक चार्ज यहां पर रखा स्टूडेंट्स, मान के चलो वो स्टार्ट क्यू है, चार्ज क्यू है, और एक चार्ज मैंने यहां पर रखा दैट इज ऑल्सो क्यू, और मान के चलो दोनों के बीच में सेपरेशन मैंने आर ले लिया है ना, एंड इफ आई विल बी फाइंडिंग दैट फोर्स देन एफ इज इक्वल हाउ मच, के Q Q by R square. This is the force. Yes or no, students? Yes or no? Should I be told? When a third spherical conductor comes in contact alternately with B and C, मैंने एक charge को लाया B के साथ रख दिया, and then मैंने क्या किया उसको? Then remove कर दिया. Then C के साथ रख दिया. फिर मैंने उसको remove किया. मतलब जो आया B के साथ मैंने touch किया. फिर जो आया उसको लेके फिर मैंने क्या किया? C के साथ touch करवाया. क्वेश्चन समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखो जो चार्ज लाया मैंने उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो दिया हुआ है कि बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियस एंड कैरिंग इक्वल चार्ज, पर देखो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखो, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग द सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज्ड इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने जो थर्ड चार्ज को मैंने जब लाया स्टूडेंट्स, अब आराम से देखो यहाँ पर अनचार्ज्ड है वो स्टूडेंट्स, तो अनचार्ज है मतलब स्टूडेंट कोई भी अनचार्ज को जब मैं यहां पर ले आऊंगा, देखो स्टूडेंट यहां पर एक चार्ज था, इंडक्शन की प्रिंसिपल याद करो, क्यू चार्ज था, मैंने एक और अनचार्ज्ड बॉडी को यहां पर ले आया स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने एक अनचार्ज्ड बॉडी को इसके साथ टच करवा दिया, तो स्टूडेंट जब अनचार्ज्ड बॉडी को मैंने इसके साथ टच करवा दिया, अभी चार्ज शेयरिंग हो जाएगा ना दोनों में, तो अभी अगर चार्ज को अगर अनचार्ज करके रखा हूं तो टोटल चार्जेस क्यू, नो डाउट, बट अभी जब मैं फिर जब उस उन दोनों को सेपरेट कर दूंगा ना स्टूडेंट, तो ये जो चार्ज Q था ना दोनों में, वो दोनों में हो गया था, दैट इज Q बाय 2 हो जाएगा, Q बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट, समझ पाया? पहले मैंने उसको ये B मान के चलो, इसको C मान के चलो, है ना,
पहले मैंने इसको बी के टच करवाया, और बी से टच करवा के जब लेके मैंने चला गया तो बी का चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो तो थोड़ा, द चार्ज ऑफ बी विल बी क्यू बाई टू नाउ, है ना। और फिर वही, और दूसरा जो पार्टिकल है वो क्या है, क्यू बाई टू, और उसको लेके फिर मैंने किसके साथ जोड़ दिया, यहां से पहले से क्यू चार्ज था और मैंने लेके क्या किया और क्यू बाई टू को उसके साथ जोड़ दिया स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का मिलावट में जो चार्ज हो गया वो कितना है, इन दोनों का मिलके चार्ज कितना हो गया, q by 2 plus मतलब q, दोनों का चार्ज मिलके कितना हो जाएगा बताओ तो, q plus q by 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3q by 2 हो जाएगा, am I clear to all, दोनों का कंबाइंड का चार्ज 3q by 2 हो गया, पहले से q था मैंने q by 2 लिया, तो जब q था और q by 2 मैंने लिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3q by 2 हो गया, बट मैंने तो उसको मतलब टच करके तो रखा नहीं ना, वो बोल रहा है कि लेके टच किया सी को फिर भी उसको रिमूव करवा दिया, सो जब इसको यहां से जब फिर रिमूव करके ले जाया जाएगा तो वो आधा आधा चार्ज में फिर बदल जाएगा, मतलब जो ले लिया मतलब ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये नेट चार्ज उसका 3q/4 हो जाएगा, बाय 2 करेंगे तो, और जो चार्ज चला गया दैट इज ऑल्सो 3q/4 हो जाएगा, है ना बेटा, और पहले से जो चार्ज से टच करके लिया गया था उसका चार्ज तो q/2 है और था भी, और सेम सेपरेशन पे मैं रख दिया हूं, मतलब इसको करने के बाद जो चीज हुआ क्या हुआ, इसका चार्ज बी का चार्ज क्यू बाई टू हो गया, सी का चार्ज टच करके लेने के बाद 3q/4 हो गया, समझ पे आ रहा है कि नहीं, और डिस्टेंस तो बेटा सेम है, आर है डिस्टेंस, पहले से मैंने एफ निकाल दिया था, यही था मेरा पहला फोर्स एफ, अभी जब दूसरा फोर्स मैंने निकाला तो दैट एफ डैश इज गोइंग टू बी हाउ मच बताओ, के एक का चार्ज क्यू बाई टू, दूसरा का चार्ज 3q/4 करेक्ट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं स्टूडेंट सो आई विल गेट 3/8 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन द प्रीवियस फोर्स, ये जो QQ है ना, ये देखो यहां से आ गया कितना 2 आ गया, यहां से कितना आ गया 4 आ गया, एक 8 आ गया, तो एक्स्ट्रा कितना फोर्स आ जाएगा, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा 3/8 बाहर लेने से K Q²/R² आ जाएगा कि नहीं, अंडर K Q²/R² इज हाउ मच फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो पहले एक्सपीरियंस होता दैट इज 3/8 टाइम्स ऑफ F हो गया, आई थिंक इट्स क्लियर, I'm giving you a chance to ask the doubt, don't worry. Let's see question number 18, okay? 15, 16, 17, 18, see here. Two equal point charges, each of 3 microcoulomb, okay, are separated by a certain distance in meters. They are located, ek ka coordinate de diya, I cap, J cap, K cap. And dusra jo hai, 2 I cap, 2 J cap, 3 K cap. And the electrostatic force. Students, koi dikkat nahi hai ispe. दोनों क्या मुझे दो पॉइंट का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, और आपको पोजीशन वेक्टर निकालना आता है R2-R1 करके हम हमेशा निकालते हैं, यस नो, चलो कर देते हैं फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, उसमें मुझे लगता है कि शायद आपको पोजीशन वेक्टर निकालने में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो दो चार्ज दो वो कितना दिया हुआ है, क्यू इज इक्वल टू हाउ मच 3 microcoulomb, दैट इज इक्वल टू 3×10^-6 coulomb, है ना, दूसरा जो है क्यू टू कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो 3 microcoulomb, That is 3×10^-6 coulomb, correct? और student पहला का जो position vector है कितना दिया हुआ है? I cap plus J cap plus K cap, correct? और दूसरा का जो position vector है वो कितना दिया गया है? 2 I cap plus 3 I cap plus 3 K cap. Yes, यहाँ पर आप देख सकते हो. अगर मुझे दोनों के बीच में distance निकालना है, तो students R vector is how much? Position vector निकालना भूल गए क्या vector में? R2-R1 है कि नहीं? तो सब्सट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या आएगा देखो, 2i cap - i cap, क्या आ जाएगा, i cap आ जाएगा, 3i cap - 3j cap, यहां पर 3j cap, सॉरी दिस इज 3j cap - j cap, कितना आ जाएगा, +2j cap आ जाएगा, करेक्ट, 3k cap - k cap, कितना आ जाएगा, +2k cap आ जाएगा, यस और नो, सो i cap + 2j cap + 2k cap, तो अगर मुझे उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब ये है पोजीशन वेक्टर, बट मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालना भूल रहे नहीं होना आप लोग, 1² + 2² + 2² करके रूट अंडर निकाल देते हैं, करेक्ट, सो दैट इज आई थिंक 4, 4, 8, 9, 9 का रूट अंडर कितना आ जाएगा, 3 units, करेक्ट, तो फिलहाल आप कूलम्स लॉ डाल दो विदाउट एनी डाउट, ठीक है, मीटर्स में बोला है डिस्टेंस, तो 1/4 epsilon मतलब 9×10^9 लिख दिया हमने, करेक्ट, इंटू Q1 जो है 3 का मतलब 3×10^-6 का स्क्वायर, करेक्ट, Q² / 3 का स्क्वायर, यू सॉल्व approximately will get F is equal to 9×-12, ये 9, ठीक है, that is 10^-3 newton you will get. Understood? That is going to be the force.
Correct. Now you can ask me your doubts. I'm ready for. See question number 20. देखो. Two positive lines, each carrying a charge Q, are separated by a distance d. ठीक है. दोनों का charge Q है. F is the force of repulsion between the ions. Then the number of electrons missing from the ion will be how much? ठीक है. चलो देखते हैं इस question को students. Students देखो question number 20 में students. Students, two positive ions each carrying a charge Q are kept at a distance d. So it is found that the net force between दोनों में क्या हो जाएगा? Net force K Q Q by d square. Yes, sir, students. And that is equal to how much? K is equal to मतलब 1/4 epsilon naught Q square by d square. Yes, sir, no. And students, from quantization of charge, you know Q is equal to Ne. Yes, sir, no. So that is F is equal to क्या हो गया 1/4 epsilon naught Q का square मतलब Ne का square, that is N square is square divided by d square. Correct? कुछ ठीक करनी है. N is equal to क्या हो जाएगा, सबका cross multiplication करके rotation निकाल दो, 4/epsilon naught उस side पे चला गया, F उस side पे था, d नीचे था, चला गया d square divided by e square. So this is going to be the number of electrons missing from each ion. ठीक है. So you can see now this one. It's question number 3, electric charges, force between multiple charges. Okay. So that is 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD. It's shown in the adjoining figure. Sorry, question number 3 hame dekhna hai na. The ratio of the Coulomb force on static point charge Q1 when Q1 and Q2 are placed a number 1 pe vacuum pe and in a medium having dielectric constant K. Kuch nahi hai students. Question number 3. Jab main air pe place karta hu students, force between multiple charges, jab main air mein place karta hu to that is Fe is equal to how much? Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught into r square. Correct. और जब मैं लेके कोई अदर ऑब्जेक्ट मीडियम पे रख दिया तो क्या चेंज हो जाएगा? Q1 Q2 अपने रख जगह पे रहेगा, बट क्या चेंज होने वाला है यहाँ पर? यहाँ पर ये k जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाना है, क्योंकि u not into er और er जो है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज ओनली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो इसलिए e not er लिखते हैं हम, और यहाँ पर er था इसलिए er is equal to 1 था, बट ये सेकंड केस पे er is equal to k दे दिया, तो er को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए k को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 epsilon naught k लिख दिया r स्क्वायर. करेक्ट. तो नाउ इफ आई विल फाइंड fa by fb देन क्या हो जाएगा? देखो ये नीचे है, नीचे है, तो दैट इज दैट विल बी k is to 1. Correct. That will be k is to 1. Correct or not? Just note it, students. When 4 charges are arranged at the corner of a square ABCD, it's shown in the figure. Okay. Plus Q, 6Q, 4Q, minus Q. The force on the charge Q kept at the center O. कहाँ पर लगेगा वो force? ठीक है. चलो थोड़ा दिख लेते हैं. एकदम easy है. कहाँ पर अट्रैक्टिव, कहाँ पर रिपल्सिव, वही तो डिसाइड करना है. स्टूडेंट्स मैंने ले लिया, यहाँ पर हमने स्क्वायर ले लिया. करेक्ट. आई टुक ए स्क्वायर. चलो चार्ज रख देते हैं यहाँ पर. यहाँ पर हमने एक चार्ज रखे, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखे. करेक्ट. यहाँ पर हमने एक चार्ज रखे, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखे, है ना? यस सर, नो. तो वी केप द चार्ज हियर. तो स्टूडेंट ये जो चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज रखा मैंने, यहाँ पर 6 कूलम रखा मैंने, यहाँ पर 4 कूलम रखा, और शायद यहाँ पर दिया हुआ है माइनस क्यू कूलम. करेक्ट है ना? यस नो स्टूडेंट. और ऑप्शन जो दिया हुआ है मतलब वो एबीसीडी के क्रम पे दिया हुआ है, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी ले लेते हैं. करेक्ट. यस नो. यस नो स्टूडेंट्स. एबीसीडी है ना. चलो स्टूडेंट पहले देखते हैं. स्टूडेंट्स वो पूछ रहा है एक चार्ज को मैंने रखे कहां पर? सेंटर पे. सेंटर मतलब इसको सेंटर कहते हैं ना स्टूडेंट. दिस इज द सेंटर. यहां पर मैंने क्यू चार्ज को रख दिया. करेक्ट. यस सर, नो. चलो सभी वेट ए मिनट, आई विल कम टू यू. तो मैंने यहां पर रख दिया क्यू चार्ज को, उसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा कौन सी डायरेक्शन में? स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा. रिपल्सिव फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. यस सर, नो.
इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होगा, और ये भी प्लस है, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो किस तरफ होगा, दे विल रिपेल ईच अदर, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट, और दैट विल बी हाउ मच, अगर मैं थोड़ा उसको नोटिफाई करना चाहूं तो वो भी हो जाएगा। तो इसका एक फोर्स आएगा, इसका एक फोर्स आएगा, ठीक है, ये क्यू है, सिक्स क्यू है, ये क्यू है, फोर क्यू है, है ना। अगर के क्यू बाई एट स्क्वायर में डालूं, इफ आई विल बी पुटिंग के क्यू बाई एट स्क्वायर लेट नॉर्मल फोर्स, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पर डालूं, यहां पर एक फोर्स आएगा, दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो आप, यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसका फोर्स किस तरफ होगा, इट विल बी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसको, प्लस क्यू को ये अट्रैक्ट करेगा, ये सर नो, और ये जो प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, चारों डायरेक्शन पे देख लो, चारों चार्ज की वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, ये सर नो स्टूडेंट, दैट इज द थिंग यू हैव टू सी, है ना। मैग्नीट्यूड निकालो पहले, इस फोर्स कितना आएगा, क्योंकि ये फोर क्यू है, ये क्यू है, तो इसकी वजह से एक फोर्स आएगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स ऑन इट, और ये सिक्स क्यू की वजह से जो फोर्स आएगा वो भी रिपल्सिव इन दिस डायरेक्शन, ये सर नो, दिस इज फोर्स ड्यू टू फोर क्यू will be in this direction, और ये force due to 6q will be in this direction, ये yes or no, getting the students, 6q के वजह से एक force आएगा, यहाँ पर 4q के वजह से एक force आएगा, distance तो equal है ना, तो ये 6q के वजह से force आ रहा है, ये 4q के वजह से force आ रहा है, और यहाँ पर जो force आएगा क्या होगा, ये plus q है, ये minus q है, इसकी वजह से जो force आएगा क्या होगा, इस charge की वजह से एक force आएगा इस तरफ, that is F, q के वजह से एक force इस तरफ आएगा, है ना, और ये क्यू भी उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा अपनी तरफ, तो इसलिए दैट फोर्स विल आल्सो बी एफ माइनस क्यू का फोर्स भी उस तरफ होगा, चारों चार्ज की वजह से फोर्स के बारे में आइडिया आ गया होगा आपको, ये प्लस सिक्स क्यू है, इसको रिपेल करेगा डी के तरफ, बी पे जो चार्ज है और ये सेंटर ओ पे जो चार्ज है वो डी के तरफ उसको पुल पुश करेगा, ये सब नो, गेटिंग ना, और यहां पर ए पे जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा सी के तरफ, और यहां पर जो चार्ज है 6q वो उसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल, और एक जो चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा, सो जो भी है नेट चार्ज जो है दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इट्स विजिबल टू ऑल, देखो ध्यान से, विजिबल टू ऑल, स्क्वायर, यस सर, ठीक से देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना चार्ज रखा गया है, क्यू, करेक्ट, यहाँ पर कितना रखा गया है स्टूडेंट, सिक्स क्यू, यहाँ पर कितना रखा गया है, फोर क्यू, करेक्ट, और यहाँ पर कितना रखा गया है, माइनस क्यू, इज दैट करेक्ट और नॉट, यही है ना क्वेश्चन पे, यस सर, नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं प्लस क्यू रखा हूँ, यहाँ पर फोर क्यू रखा हूँ, यहाँ पर सिक्स क्यू रखा हूँ, यहाँ पर माइनस क्यू रखा हूँ, है ना, और ये जो बीच सेंटर पे जो रखा हूँ चार्ज वो कितना रखा हूँ, प्लस क्यू रखा हूँ, ये सब नो, रेस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, ये सब नो, यस सर, यस सर, यस सर, ये पॉइंट का नाम दिया गया है ए, ये पॉइंट का नाम क्या दिया गया है, बी, ये पॉइंट का नाम क्या दिया गया है, सी, और ये पॉइंट का नाम डी, ए है ना, या फिर इसको सी, इसको डी दिया गया है, बताओ क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, सर सी डी उल्टा है सर, ये सी है ना, ये डी है ना, यस यस सर, स्टूडेंट्स ये 4q है, ये q है, ये सारे ये चारों डिस्टेंस सेम है ना, ठीक है, नहीं, यस सर, क्योंकि 4q के वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस, और ये रिपल्सिव फोर्स होगा ना स्टूडेंट्स, यस सर, नो, तो इस यस सर, यस सर, इस सब में क्या लगेगा फोर्स, दैट एफ, दैट फोर्स इज फोर्स ऑन चार्ज q, यस सर, नो, ड्यू टू 4q, लिख दिया मैंने, छोटा लिखा, दिखा, दिख रहा है FQ 4Q, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है सर, how much, that is K into Q into 4Q by R square, yes or no, तो अगर मैं 4, yes sir, 4 को बाहर ले लूँ, तो that is K Q square by R square, हर जगह पे ये K square by R square आएगा, तो इसलिए मैं इसको F लिख देता हूँ, correct, शुरू से, so that finally एक idea हो जाएगा कि force constant action act करता है, तो इस direction में कौन सा force, कितना force act करेगा, repulsive force, 4F act करेगा ना, ये सब लोग यस सर, यस सर, क्यू के वजह से जो चार्ज है वो इसी अलाउंड पे काम करेगा, डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज आर, दिस इज आर, सबको सेम लिए है, ये सब लोग, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये सब लोग, दैट विल बी रिपल्सिव, दैट मींस दिस फोर्स इज ड्यू टू
force on Q due to 6 Q. Yes or no? So net force will be how much? That F, that is equal to how much? K Q 6 Q by R square. That is 6 times of F में है ना students? That means इसको मैं 6 F लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 F लिख सकता हूँ, क्योंकि F में already इसको ले लिया. Yes sir. ले लिया मैंने, correct? Yes sir, no? Yes sir. Yes sir. ठीक है students. तो देखो next, अगर मैं इसको 6 F ले लिया, अभी देखो इसकी वजह से क्या force आएगा? That will be also repulsive ना? That means ये जो मैं arrow लिया हूँ, that is force on Q due to plus Q. Yes sir, that is only F होगा ना students, क्योंकि A क्या Q by R square है? ये जो force experience होगा, F is equal that F on Q due to Q is equal to much K Q square by R square. That is मैं F लिया हूँ, already मैं उसको F assume किया हूँ. So force इस direction में लगेगा कि नहीं F? Yes sir, no? Getting or not students? इसकी वजह से निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया, इसकी वजह से निकाल दिया repulsive. But is ये minus Q है ना students? तो minus Q तो मतलब that will be attractive. Yes or no? This charge इन दोनों के बीच में कौन सा force होगा? ये plus Q है, ये minus Q है. That will be attractive. Getting ना students? So that will be F only. Yes or no? समझ पा रहा है कि नहीं? Yes sir. तो चलो यहाँ पर देखो थोड़ा, this part is visible students. यहाँ पर जो plus Q था, अभी आप देख सकते हो plus Q के ऊपर एक force इस तरफ लग रहा है 4F और एक force इस तरफ लग रहा है that is 6F, correct? और इस यहाँ पर एक फोर्स पर निकला लिया एक्ट करता है, दैट इज एक एफ एक्ट कर रहा है और दूसरा भी एक एफ एक्ट कर रहा है. ए है ना पूरा क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ये सब लो. और स्टूडेंट ये 180 डिग्री में लग रहा है, तो ये 6F है, ये 4F है. तो नेट फोर्स जो लगेगा इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? दैट विल बी इक्वल टू 6F माइनस 4F, दैट इज 2F और नॉट? दैट इज 2F ना? ये 6F है, ये 4F है, तो 2F इस तरफ लगेगा. ये सब लो. ये सब लो स्टूडेंट्स. और यहाँ से F दोनों को मिला देंगे तो 2F भी इस तरफ लगेगा. ये सब और दोनों का रिजल्टेंट जो किस तरफ लगेगा, दैट इज F net will be acting in this direction on this. So net force will be acting in this direction. This is F net is going to act in this and this perpendicular to AB. Yes or no? Yes sir. What? Question number 8C. Electric charges of one, or no, question number 7. The ratio of the time periods of the small oscillations of the insulating spring and the mass system before and after charging the masses plus Q, mm. ठीक है students, not an issue. ठीक है students, equilibrium of the charge small bodies. ठीक है. Question number 7 ना students. Correct. देखो. Students देखो यहाँ पर question number 7 पे. ये एक चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, मास एम है, मास एम है, दिस इज के गिवन, करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सी स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज दिया हुआ है इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, हमें नहीं पता ये जो एल है, जो एक्स है, मतलब ये जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, दैट वी डोंट नो, है कि नहीं? एलोंगेशन कितना है वो हमें नहीं पता. मान के चलो, यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए, सो दैट और एक बार आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. ठीक है, क्यू है प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर स्प्रिंग है एक, है ना? यहाँ पर मास एम है, यहाँ पर मास एम है, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, करेक्ट है ना? ये सब नो स्टूडेंट्स, ये जो इनिशियल लेंथ जो है मान के चलो एल नॉट था स्प्रिंग का, गेटिंग ना स्टूडेंट्स? ये सब नो. और ये प्लस क्यू वैसे क्या होगा, थोड़ा रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं दोनों डायरेक्शन पे, करेक्ट? सो वो फोर्स क्या होगा, मान के चलो दैट फोर्स इज इक्वल टू के, मतलब 1/4πε0 इनटू दोनों चार्ज का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, भाई पहले एल नॉट था अभी कुछ एक्सपांड हुआ है, दैट इज एल नॉट प्लस एक्स नॉट, क्योंकि कुछ तो एक्सपांड होगा ना, पहले कुछ डिस्टेंस था फिर रिपल्सन की वजह से कुछ हुआ है, सो दिस इतना हो जाएगा कूलंबिक फोर्स. यस और नो स्टूडेंट्स, गेटिंग और नॉट? दिस इज कूलंबिक फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स अगर मैं बताऊं तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स ना स्टूडेंट्स, सो दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू एक्स नॉट एलोंगेट हुआ है. यस और नो? एक्स नॉट जो है ना, दैट इज एक्स नॉट जो है, दैट इज राइट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, राइट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, करेक्ट? यस और नो स्टूडेंट, समझ पे आ रहा है ना? सो देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम में बैलेंस हो रहे हैं. मान के चलो स्टूडेंट्स, लेट ए फर्दर एलोंगेशन एक्स इज मेड इन द स्प्रिंग, राइट, लेट
लेट ए फर्दर स्मॉल एलोंगेशन लिखते रहो, लेट से फर्दर स्मॉल एलोंगेशन, स्मॉल एलोंगेशन इज मेड, एलोंगेशन ऑफ एक्स, जो एलोंगेशन कितना है एक्स है, इज मेड इन द स्प्रिंग, ठीक है। देन स्टूडेंट रिस्टोरिंग फोर्स जो वो क्या हो जाएगा, मतलब पहले ये के ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये था, तो अभी ये भी थोड़ा x ऐड हो जाएगा, इस पे भी x ऐड हो जाएगा और इस पे x नॉट पे भी x ऐड हो जाएगा, ये सब ना। तो नेट फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग क्या चाहेगा उसको अपनी तरफ लाने के लिए, बट कूलंबिक फोर्स क्या लाया चाहेगा उसको, उससे दूर लेने के लिए। तो नेट फोर्स जो है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। देन द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, देन द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, then the net restoring force of any of the charged particle is given by, that is F is equal to, students kya hoga, minus symbol bahar lete k, x naught tha aur x elongate hua, correct, minus 1 by 4 pi epsilon naught tha, Q square था, नीचे में क्या था, ओनली एल नॉट प्लस एक्स नॉट था, प्लस और एक एक्स ले लो, नो प्रॉब्लम, प्लस एक्स नॉट था, उसको और एक बार ले लो एक्स में, और एक्स ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा पूरा ये करने के बाद, और एक्स नॉट इज वेरी लेस, तो एक्स इज वेरी लेस देन एक्स नॉट, स्टूडेंट ठीक है, थोड़ा सा एलोंगेट हुआ है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दैट वन आई विल गेट। इतना निकालने की जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्टली बता सकता था, बट थोड़ा डिराइव करके दिखा दिया मैंने आपको, F is equal to kx, students, दूसरा बात, स्टूडेंट देखो कोई भी मास के ऊपर जब फोर्स लगता है तो दैट इज F is equal to ma है ना, जस्ट आप SHM में पढ़े होंगे, F is equal to ma, F is equal to kx, so दोनों आपस में बैलेंस होना चाहिए ना, kx should be equal to ma for balancing, so a is equal to how much, kx by m, correct, that a is going to be kx by m, और एस एच एम में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, पर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गिवन मास है कि नहीं, तो अगर मैं दोनों को अगर इक्वेट कर दूं स्टूडेंट्स, तो ओमेगा स्क्वायर वाई इज गोइंग टू बी हाउ मच, के एक्स बाई एम, करेक्ट है ना स्टूडेंट्स, बट यहां पर देखो वो दिया हुआ है, जस्ट यू सी इस पे दिया हुआ है मास सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग द मास सिस्टम। स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि देखो तो हमें ये मिल गया कि ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के एक्स बाई एम, पर स्टूडेंट ये जो वाई है ना, ये जो वाई डिस्प्लेस जो होता है इस तरह लेफ्ट साइड पे जितना डिस्प्लेस होता है, कोई भी पार्टिकल जब एस एच एम में जाता है जितना इस तरफ जाता है उतना उस तरफ भी जाता है ना स्टूडेंट, ये सब नो, ऊपर की तरफ जितना नीचे की तरफ उतना है ना, सो अगर एक्स डिस्प्लेस हुआ है तो थोड़ा राइट मतलब मिड पॉइंट से, वो मिड पॉइंट से अगर इस तरफ एक्स हुआ इस तरफ भी एक्स ना, मतलब टोटल एक्स हम लिए तो इस तरफ x by 2 इस तरफ x by 2, that y is equal to how much, that y is equal to nothing but x by 2, उसी concept से, correct, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं omega square y की जगह पे x by 2 is equal to kx by m, correct, ठीक है student, इसको solve करके हमें ये मिल जाएगा omega is equal to 2k by m, ये formula already मैं directly लिख सकता था, but थोड़ा derive करके दिखा दिया क्योंकि आप 11th पे जो पढ़े थे शायद भूल गए होंगे, omega is equal to 2k by m spring के केस पे, ये सब नो। और स्टूडेंट टाइम पीरियड क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी ना स्टूडेंट्स, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा बाय टी, दैट इज 2 पाई बाय टी, करेक्ट है ना, तो टी इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई बाय ओमेगा, सो दैट इज अगर वैल्यू डाल दे तो 2 पाई बाय ओमेगा नीचे है तो दैट इज कितना हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2k बाय m, करेक्ट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा and you got omega is equal to 2k by m, yes or no, so how much you are going to get for time period, you will be getting how much, 2 pi into 2k by m, correct, yes or no, so student agar main yahan par charge particle ko na lu to time period kitna ho jayega, that is 2 pi into root over of, that is also 2k by m, that is independent of charge na, to isliye agar main lu ya na lu to dono ke time period mein kya changes aayega, that is going to be 1, exactly that is going to be 1, correct, yahan par dekho kaun sa option hai 7 ka d, theek hai, matlab 1 ho jayega,
अपोजिट डायरेक्शन पे इसीलिए वो दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 170, करेक्ट, जस्ट सी इट स्टूडेंट्स.